देखो, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हेलिक्स ट्रेवलिंग वेव ट्यूब की, और उसको बोलते हैं TWT। ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले अपन इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो पहले मैं जनरल डायग्राम बता रहा हूँ, फिर इसके अपन कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, सॉरी कंस्ट्रक्शन फिर वर्किंग की बात करेंगे, और फिर इसके लिए जो इक्वेशन है कन्वेक्शन करंट की इक्वेशन है वो ड्राइव करेंगे। तो देखो, इसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, और ये एक ट्रेवलिंग वेव ट्यूब है जिसको अपन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है। और ये एक स्लो स्ट्रक्चर, जिसको स्लो स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं। और ये लास्ट में कलेक्टर। ये एक जनरल सिंपल इसका डायग्राम है। कैथोड है, एनोड है, स्लो वेव स्ट्रक्चर है, ये इनपुट देने के लिए ट्यूब है। ठीक है। हेलिकल पाथ में, और ये अपना आउटपुट है। ठीक है। और ये मैग्नेटिक होंक्स के लिए लगा रखा, और साथ में कलेक्टर है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक है वो अब मैंने लिख दिया आपके। एफिशिएंसी 20-40% होती है, बैंडविड्थ 0.8 GHz, आउटपुट पावर 10 kW या इससे थोड़ी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी रेंज 3 GHz या इससे ज़्यादा। ठीक है। ये इसके बारे में जनरल बात। अब अपन इसकी वर्किंग को समझते हैं, जो हेलिक्स वेव ट्रेवलिंग वेव ट्यूब है उसकी वर्किंग को अपने को समझें। तो देखो, वर्किंग में क्या, इसमें क्या समझेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन आपने समझ ली क्या होगी। हेलिक्स ट्रेवलिंग वेव ट्यूब में कंसिस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम, स्लो वेव स्ट्रक्चर, और फोकसिंग के लिए क्या होगा, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और स्लो वेव स्ट्रक्चर। और इसी का दूसरा नाम होता है ओ टाइप ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। ओ टाइप है ना ऐसे, तो ओ टाइप ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ओ टाइप ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगी किसी को। अब देखो, इसमें क्या होगा, अप्लाइड सिग्नल प्रोपोगेट अराउंड द टर्न ऑफ हेलिकल पाथ एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो फील्ड है, अप्लाइड फील्ड, RF इनपुट है, और वो कौन से पाथ में मूव करेगा, हेलिकल पाथ में मूव करेगा, और इसके एक्सियल जो कंपोनेंट है उसके अलोंग क्या होगा, एक्सियल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। और एक्सियल क्या होगा, इसके सेंटर से होगा। तो सबसे पहले अपन ने बात की इनपुट, इनपुट किस में दे रहे हैं, हेलिकल पाथ में। हेलिकल पाथ में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो मूव कर रहे हैं उसके साथ में इंटरेक्शन टाइम बढ़ जाए, यानी इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरेक्शन टाइम बढ़ाने के लिए अपन जो इनपुट है उसको किस में मूव करा रहे हैं, हेलिकल पाथ में मूव करा रहे हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो इनपुट है उसके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको जो इनपुट है जो है उसको क्या करेंगे, RF इनपुट को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, और अपने को क्या मिलेगा, जो सिग्नल वेव है वो लार्ज हो जाएगी। देखो, सिंपल पहले अपन बात करें, कंप्लीट जो सिंपल अपन बात करें, सबसे पहले अपन जो इनपुट है वो किस में दे रहे हैं, इनपुट हेलिकल पाथ में, हेलिक्स पाथ में, हेलिक्स पाथ में इनपुट दे रहे हैं RF इनपुट, तो उसके सेंटर या जो एक्सियल एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो इनपुट है उसको ट्रांसफर कर देंगे, और अपनी सिग्नल वेव वो क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, यानी अपने को क्या होगा, आउटपुट बढ़ के मिलेगा। ठीक है। अब देखो, इस हेलिकल पाथ में इलेक्ट्रॉन है, वो वापस से मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तीन टाइप से इंटरेक्शन करेंगे, थ्री टाइप, कितने टाइप से, थ्री टाइप, और वो थ्री टाइप कौन कौन से है, एक तो एक्सीलरेटिंग मोड में, एक्सीलरेटेड मोड में, एक जीरो यानी उस टाइम फील्ड क्या है, जीरो, और दूसरा डी एक्सीलरेट मोड में। ठीक है। अगर एक्सीलरेटिंग मोड में करेंगे तो एनर्जी को क्या कर लेंगे, एक्सीलरेटिंग फील्ड में करेंगे तो क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेटिंग फील्ड में करेंगे तो एक्सीलेट कर देंगे, और रिटार्डेड फील्ड में कर देंगे तो क्या होगा, डी एक्सीलेट होगा। तो उस केस में क्या होगा, देखो अपने को तो सबसे पहले बात क्या करनी है, इन इलेक्ट्रॉन्स का बंच बनाना है। बंच बनाना, तो बंच कैसे बनेगा, वही सेम प्रोसेस है पीछे वाली, एक एक्सीलेटिंग मोड में होंगे, एक्सीलेट मोड में होंगे तो वो एक्सीलेट हो जाएंगे, दूसरा जीरो फील्ड में होंगे तो वो किससे मूव करेंगे, यानी अनइफेक्टेड रहेंगे, अनअफेक्टेड। ठीक है। और जो डी एक्सीलेट मोड में जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डी एक्सीलेट हो जाएंगे। ठीक है। अब मैंने बताया कि सबसे पहले ये जाएंगे तो ये डी एक्सीलेट होंगे तो स्लो जाएंगे,
ये वाले सेम से जा रहे हैं और ये बाद में आएंगे लेकिन एक्सीलेट हो जाएंगे, तो तीनों क्या बन जाएगा, बंच बन जाएगा। और जैसे ही कलेक्टर के पास में बंच बनेगा तो रिटार्डेड फेज में ही क्या कर देंगे, अपनी एनर्जी तो किसको ट्रांसफर कर देंगे, आरएफ आउटपुट को, और फाइनली यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे कलेक्टर। तो ये समझ आ गई क्या प्रोसेस, दोबारा से समझ लो। अपन हेलिकल पाथ में लिया है कि इसका इंटरेक्शन टाइम बढ़ जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वही थ्री टाइप्स इंटरेक्शन होगा, एक एक्सीलरेटिंग मोड, एक जीरो और एक डीएक्सीलरेटिंग मोड। तो एक्सीलरेटिंग मोड में एक्सीलरेट होंगे, डीएक्सीलरेट मोड में डीएक्सीलरेट, डीएक्सीलरेट वाले पहले आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, ये अनइफेक्टेड और ये एक्सीलरेट, तीनों का यहाँ पर बंच बनेगा। बंच जैसे ही बनेगा तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, रिटार्डेड फेज में होंगे तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी और फाइनली कहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए अपने को एक कन्वेक्शन करंट इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो उसके अपन बात करते हैं। यानी करंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में अपने को रिलेशन फाइंड करना है, उसी को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट इक्वेशन। उससे पहले अपने को कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी, वो अपने को काम आएगी, जैसे वेलोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गई, करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी इक्वेशन अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लगा रखा है, या जो सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई जेड ई वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड। ठीक है, ऐसे ही जो जे है, जे रो और वी, ये क्या होंगे, ये इनिशियल डीसी और एसी दोनों होंगे, तो डीसी और एसी होंगे, तो मैंने जो डीसी है उनको तो लिख दिया वी नॉट रो नॉट और ये माइनस, ये तो जेड डायरेक्शन में नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है उसको शो कर रहा माइनस इसलिए, और साथ में एसी भी लगा रहे बाहर से, आरएफ भी लगा रहे, तो आरएफ की इक्वेशन इनकी जैसे क्या हो जाएगी, जैसे इसकी हो जाएगी वी वन ई के आर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड, इसकी हो जाएगी रो वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड, और इसकी हो जाएगी जे वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड। ये तो इनपुट की वजह से, तो ये तो एक केवल आरएफ की वजह से होगा, और जो वेलोसिटी होगी या जो मॉड्यूलेट हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी, ये क्या हो जाएगी, मॉड्यूलेट हो जाएगी, तो ये डीसी और एसी दोनों की वजह से होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? और यहाँ पर गामा क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और गामा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एटीन्यूएशन फेज कांस्टेंट, यहाँ तक कोई डाउट? अब अपन करंट डेंसिटी निकालते हैं सबसे पहले, और उस लास्ट में ये वैल्यू काम आएगी, तो जे क्या होता है, रो इंटू वी, रो इंटू वी ये होता है रो की वैल्यू क्या, रो नॉट प्लस रो वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जी, और v की है v नॉट प्लस वी वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा, मल्टीप्लाई कर दो, रो जीरो वी जीरो प्लस रो जीरो वी वन प्लस रो वन वी नॉट, और साथ में क्या आ गया, ई की आर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जी, और ये स्मॉल क्वांटिटी है दोनों ही, तो लास्ट वाली टर्म को मैं अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लूँ, दोनों स्मॉल क्वांटिटी है ना, और स्मॉल क्वांटिटी होने की वजह से रो वन और वी वन, रो जीरो वी जीरो मेन पार्ट है और ये इसमें स्मॉल एडिशन पार्ट है, तो ये दोनों दो स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी और स्मॉल हो जाएगी, तो और स्मॉल हो जाएगी, तो मैंने क्या किया उसको क्या मान लिया, जीरो मान लिया। ठीक है, अब जो जे की इक्वेशन है, आप जानते हो जे की इक्वेशन यहाँ से क्या है, तो इसको अगर इससे कंपेयर कराओगे तो जे नॉट क्या होगा, माइनस रो जीरो वी जीरो, और जे वन क्या होगा, रो जीरो वी वन प्लस रो वन वी नॉट। ठीक है, ये अपने पास में जो करंट डेंसिटी है उसकी वैल्यू अपने को मिल गई। ठीक है, अब अपने को तो बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन अगर अपन देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है, मैं मिटा देता हूँ ये ऊपर वाला पार्ट, एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई, ये होती है, अरे ये होती है ना। अब देखो, अब ये टू टू पे डिपेंड कर रहा है, जो डेरिवेटिव वो जेड पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको टू पार्ट में लिख देता हूँ, डी बाई डी टी प्लस डी बाई डी जेड डी जेड बाई डी टी, मैंने क्या कहा इसको टू पार्ट्स में लिख दिया, डी बाई डी टी प्लस डी जेड बाई डी टी और डेल जेड बाई डेल टी, और ये एम इधर ले जाओ, साथ में वी माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, तो डी बाई डी जेड
प्लस डी बाई डी जेड प्लस डी जेड बाई डी टी, और v की वैल्यू वी नॉट प्लस वी वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड, और साथ में माइनस स्मॉल ई बाई एम, और ई की वैल्यू ई नॉट प्लस ई वन, सॉरी ई की तो एक ही वैल्यू है, ई वन ई की आर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड। ठीक है, चलो डेरिवेटिव कर लो। तो डेरिवेटिव लोगे तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी टी के रेस्पेक्ट, और ये तो कांस्टेंट है जीरो, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा आयोटा ओमेगा वी वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस गामा, और क्या आ जाएगा वी वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड। ठीक है, और साथ में डी जेड बाई डी टी ऐसे कैसे माइनस ई बाई एम ई वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब डी जेड बाई डी टी क्या हो जाएगा वी नॉट, तो ये क्या आयोटा ओमेगा टी, ये तो तीनों तरफ से कैंसिल, तो आयोटा ओमेगा टी वी वन माइनस गामा वी वन ये वी नॉट, और ये क्या हो गया माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वन बाई एम। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, वी वन की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो वी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वन बाई एम, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आयोटा ओमेगा माइनस गामा वी नॉट। ये अपने पास में इसकी वैल्यू मिल गई वी वन, क्या वैल्यू आ गई माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वन बाई एम आयोटा ओमेगा माइनस गामा वी नॉट। अब अपन यहाँ से कंटिन्यूटी इक्वेशन से जानते हैं, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो, ये सब लोग जानते हो। अब एक यहाँ पे सिंगल जेड डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन याद करोगे तो डेल जे अपॉन डेल जेड प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? अब देखो जे की वैल्यू आप जानते हो, तो जे की वैल्यू जानते हो तो दोनों वैल्यू निकाले पहले, तो डेल जे अपॉन डेल जेड क्या होगा जे की वैल्यू क्या थी डेल बाई डेल जेड जे माइनस जे जीरो प्लस जे वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा जे वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड। ऐसे ही डेल रो अपॉन डेल टी क्या वैल्यू आ जाएगी आयोटा ओमेगा रो वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड। यही होगी, अरे यही होगी, दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो दोनों वैल्यू को इक्वेट करोगे आप, तो इक्वेट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा जे वन इक्वल टू आयोटा ओमेगा रो वन, ये तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा पर अपने को वैल्यू सी मिल जाएगी। यहाँ से रो वन निकाले तो रो वन की वैल्यू कितनी आ गई माइनस गामा जे वन अपॉन आयोटा ओमेगा। काम क्या था अपना, तो जे वन निकालना, तो जे वन क्या था रो जीरो वी वन प्लस रो वन वी नॉट, यानी ये तो कांस्टेंट है रो जीरो वी जीरो, ये तो कांस्टेंट है वी वन रो वन निकालना था, तो ये वी वन आ गया और ये रो वन, दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो दोनों वैल्यू आप पुट करोगे तो जे वन क्या वैल्यू आ जाएगी रो जीरो वी वन की वैल्यू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वन बाई एम आयोटा ओमेगा माइनस गामा वी नॉट, रो वन की वैल्यू माइनस गामा जे वन वी जीरो डिवाइड बाई आयोटा ओमेगा। बोलो हो गया अपना काम, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है तो सब J1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो J1 देखो यहाँ भी और यहाँ भी, तो J1 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा वन प्लस गामा वी नॉट डिवाइड में आयोटा ओमेगा, और यहाँ माइनस रो जीरो स्मॉल ई वन अपॉन एम आयोटा ओमेगा माइनस गामा वी नॉट। एलसीएम ले लो तो ये आयोटा ओमेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस रो जीरो स्मॉल ई कैपिटल ई वन आयोटा ओमेगा डिवाइड में एम आयोटा ओमेगा माइनस गामा वी नॉट, और ये आ जाएगा आयोटा ओमेगा प्लस गामा वी नॉट, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको,
देखो ये वैल्यू है आई ओमेगा माइनस गामा वी नॉट, और अच्छा इसमें अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी, ये जो वैल्यू है वो है प्लस जे वन गामा अपॉन गामा जे वन अपॉन आयटा ओमेगा, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा प्लस, तो ये तो हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा एम आयोटा ओमेगा माइनस गामा वी नॉट, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस आयोटा गामा वी नॉट, ठीक है माइनस रो जीरो ओमेगा इवन बटे आयोटा, अब यहाँ से आयोटा कॉमन ले लो आप, तो आयोटा कॉमन लोगे तो देखो क्या बच जाएगा माइनस रो जीरो स्मॉल ई इवन डब्लू आयोटा एम, तो देखो आयोटा एम कॉमन लोगे तो क्या बनेगा यहाँ से आयोटा कॉमन आ गया, तो ये तो ओमेगा प्लस आयोटा गामा वी नॉट, और ये भी ओमेगा तो ये स्क्वायर बनेगा, ये आ गई जे वन की, ठीक है। अब जे जीरो क्या था रो जीरो वी जीरो, अरे जे जीरो रो जीरो वी जीरो, तो यहाँ से रो जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी जे जीरो अपॉन वी जीरो, इसका मतलब मैं इस रो जीरो की जगह क्या लिख सकता हूँ जे जीरो अपॉन वी जीरो, इसका मतलब क्या लिख दिया मैंने जे जीरो और साथ में वी जीरो जे वन जे जीरो, तो करंट में स्विच करें इनको, अगर करंट की इक्वेशन में स्विच करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आई वन इक्वल टू माइनस स्मॉल ई आई नॉट डब्लू ई वन और डिवाइड में वी नॉट आयोटा एम ओमेगा प्लस आयोटा गामा वी नॉट का होल, ये अपने पास में कन्वेक्शन करंट की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। और इसी इक्वेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन, और इसी का दूसरा नाम है कन्वेक्शन करंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इंड्यूस होती है, क्योंकि आर एफ इनपुट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इंड्यूस जो करंट हो रही है उसी के वो नाम। अब इस पे क्या होता है कुछ लिमिटेशन है इसकी कन्वेक्शन वैक्यूम ट्यूब की, और वो लिमिटेशन क्या है इस पे कैपेसिटेंस इफेक्ट इंडक्शन इफेक्ट ट्रांजिट टाइम इफेक्ट बैंडविड्थ इफेक्ट डाइलेक्ट्रिक लॉस और रेडिएशन लॉस, इनकी वजह से क्या होता है आउटपुट क्या होता है कम हो जाता है। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस इफेक्ट की बात करें तो अगर फ्रीक्वेंसी अपन इंक्रीज करेंगे तो इसका रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, अरे कन्वेक्शन वैक्यूम ट्यूब इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछ लेता है लिमिटेशन ऑफ कन्वेक्शन वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले मैं बात करूं कैपेसिटेंस इफेक्ट, कैपेसिटेंस इफेक्ट आप जानते हो एक्स सी वन अपॉन सी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा, यानी कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, और कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो इसका आउटपुट वोल्टेज भी डिक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इंडक्टेंस इफेक्ट में क्या होगा एक्स एल ओमेगा एल होता है, एल इन ओमेगा इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा लेकिन जो आउटपुट है वो क्या होगा डिक्रीज होगा। दूसरा ट्रांजिट टाइम, तो जो ट्रांजिट टाइम है वो नेग्लिजिबल होगा तो आउटपुट अपने को मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन अगर ट्रांजिट टाइम को इसमें क्या नहीं मान सकते क्या नहीं मान सकते नेग्लिजिबल नहीं मान सकते तो इससे क्या होगा वोल्टेज डिक्रीज होगा। ऐसे ही बैंडविड्थ इफेक्ट, बैंडविड्थ इफेक्ट अगर डिक्रीज होती है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी भी तो आउटपुट वोल्टेज वापस से डिक्रीज होगी। ऐसे डाइलेक्ट्रिक लॉस है, डाइलेक्ट्रिक लॉस में भी क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो पावर लॉस भी इंक्रीज होगा। ये अपना है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, ठीक है। इसके बाद आता है मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेट्रॉन क्या होता है एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन फील्ड होता है, इसमें मैग्नेट्रॉन सर्कुलर टाइप में होता है, ये कैथोड और बाहर एनोड, इन दोनों के बीच में अपन क्या लगाते हैं फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। और साथ में फील्ड के साथ साथ में यहाँ पर
एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का वो कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ होगा। तो हेलिकल पाथ की वजह से जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर दो चीज़ हो गई, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक, दोनों अपने को अप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उस केस में इस जो ट्यूब है इसको बोलते हैं एम टाइप ट्रेवलिंग व्हील। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैथोड एनोड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के रूप में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर अप्लाइड टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन होंगे इमिट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सीलरेट होंगे, और क्या होंगे एक्सीलरेट होके ये इलेक्ट्रॉन किधर करेंगे मूव। देखो सबसे पहले अपन कैथोड की बात करें, यहाँ से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन एग्जिट होंगे, इलेक्ट्रॉन एग्जिट होंगे एग्जिट होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे एक्सीलरेट होंगे, एक्सीलरेट होंगे तो जितने ज़्यादा एक्सीलरेट होंगे मैग्नेटिक फील्ड उनके पाथ को उतना ही बैंड कर दे। अब यहाँ भी वही तीन केस है, बाहर से इनपुट लगाएंगे, इनपुट लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तीन टाइप से होंगे, या तो एक्सीलरेट होंगे या नॉट इफेक्टेड होंगे या क्या होंगे डी एक्सीलरेट होंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो तो आप समझ गए होंगे कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, तो तीन टाइप हो सकते हैं एक्सीलरेट नॉट इफेक्ट डी एक्स। अगर एक्सीलेटिंग मोड में होंगे, एक्सीलेटिंग मोड में होंगे तो एनर्जी को क्या कर लेंगे गेन कर लेंगे, गेन कर लेंगे तो वापस कैथोड पे आके क्या करेंगे क्या करेंगे वहाँ पर एनर्जी को वहाँ से ले लेंगे और कैथोड पर हीट प्रोड्यूस करें, तो ये तो अपने काम के नहीं है। अगर एक्सीलेटिंग मोड में अपन करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं एनर्जी ले रहे हैं देने की बजाय और क्या कर रहे हैं हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉट इफेक्टेड वाले का कोई रोल ही नहीं है, वो तो अफेक्ट नहीं होंगे। डी एक्सीलेटिंग मोड वाले का अपने रोल, इसका मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो उससे इंट्रैक्शन करे वो कौन से फेज में करे, डी एक्सीलेटिंग मोड। डी एक्सीलेटिंग मोड में इलेक्ट्रॉन एग्जिट होंगे, एग्जिट होकर डी एक्सीलेटिंग मोड में करेंगे तो अपनी एनर्जी क्या किसको ट्रांसफर कर देंगे, मैक्सिमम इनपुट को ट्रांसफर कर देंगे या जो अपना आउटपुट ले रहे हैं उसको ट्रांसफर कर देंगे और वापस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में वापस कैथोड पे आ जाएंगे। ठीक है, वापस से एनर्जी लेंगे, वापस से मूव करेंगे, वापस अपनी डी एक्सीलेटिंग मोड में किस में मिलेंगे अपनी मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और फिर वापस से, तो इसी का जो मैग्नेट्रॉन है इसी का अपने जो सिलेबस है वो कौन सा पार्ट है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन। तो ये अपन जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ली लेकर के डी एक्सीलेटिंग मोड में कैथोड टू एनोड एक्सीलेट वो सॉरी जाएंगे मूव करेंगे तो डी एक्सीलेटिंग फेज में एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और वापस हेलिकल पाथ में मूव करेंगे। अब इसके लिए इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन के लिए वो अपने को निकालनी है। ठीक है, और अपने को वी नोट कट ऑफ वोल्टेज निकालना है जिसमें इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस पर नहीं पहुँचने चाहिए, एनोड पर, वापस कैथोड की तरह मूव करने, हाल कट ऑफ उस कंडीशन को बोलते हैं। तो देखो हाल कट ऑफ इक्वेशन अपने को यहाँ से निकालनी, तो हाल कट ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए आपने एक इक्वेशन पढ़ी है 1/r t/dt r² d∅/dt इक्वल टू माई स्मॉल ई b(z)m dr/dt। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडाइनमिक्स से अपने को आपको याद रखना। ठीक है, 1/r d/dt r² d∅/dt e(z)m dr/dt, ये आपको क्या करनी है याद रखना। अब यहाँ पर आप जानते हो जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ओमेगा जेड ई बी जेड बाई एम, ये आपने सबने पढ़ रखी, अरे पढ़ रखी है। देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, d/dt r² d∅/dt इक्वल टू ओमेगा जेड आर डी आर बाई डी टी, या ओमेगा सी भी लिख सकते हो, साइक्लोट्रॉन है तो जेड की जगह आप सी से भी इसको इंड्यूस कर सकते हो। ठीक है,
अब अपने को इसको सिंपलीफाई करना है और फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दिए अपन। क्या कर दी इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दी। तो इंटीग्रेट करने से पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ओमेगा सी 1/2 डी आर स्क्वायर बाई डी टी, आर स्क्वायर का 2 आर, 2 से 2 कैंसिल और फिर आर का डी आर वाई लिख सकते हैं। इससे क्या होगा देखो, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हट जाएगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी और यहाँ ओमेगा सी बाई टू, और ये हट जाएगा ना, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा था प्लस कॉस, ठीक है। आर इक्वल टू ए पर ए क्या है, कैथोड की रेडियस, रेडियस पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये डी फाइव बाई डी टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब आर इक्वल टू ए मान लिया मैंने, इसकी रेडियस है, रेडियस है तो आर इक्वल टू ए पर जो ये है ये क्या हो जानी चाहिए, जीरो। तो आर इक्वल टू ए पर ये जीरो, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ओमेगा सी ए स्क्वायर बाई टू। इसको इधर लेके आएंगे तो अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो आर स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी कितना आ गया, आर स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी कितनी वैल्यू आ गई, ओमेगा सी बाई टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से डी फाइव बाई डी टी कितनी वैल्यू आ गई, ओमेगा सी बाई टू वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अपना तो काम था वो हाल कट ऑफ वोल्टेज निकालना है, हाल कट ऑफ वोल्टेज निकालना है, तो मैंने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कोई वह कार्य नहीं करता। तो आप जानते हो 1/2 mv² कितना वैल्यू होती है, ई वी नॉट यही होती है, अरे यही होती है। तो अपने को क्या काम करना है, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप करनी है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। तो देखो क्या वैल्यू आएगी, वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से वी स्क्वायर को, ई वी नॉट वी स्क्वायर को 2 eV0 डिवाइड बाई एम लिख सकता हूँ। और इसी की जो इक्वेशन होती है, अगर रेडियल पोलर कंपोनेंट होता है, डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बी इज रेडियस ऑफ एनोड और आर इक्वल टू बी पर वी इक्वल टू वी नॉट, तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी रेडियस वो तो कैथोड की थी, बी रेडियस ऑफ एनोड, बी क्या है, रेडियस ऑफ एनोड, और बी रेडियस ऑफ एनोड है तो आर इक्वल टू बी, आर इक्वल टू बी पर वी इक्वल टू वी नॉट, वी इक्वल टू वी नॉट। तो उस केस में जो उसका रेडियल पार्ट है उसमें टेंजेंशियल था, इसमें सॉरी फाई एंगुलर वाला पार्ट जीरो था, इसमें रेडियल वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब बी स्क्वायर आर इक्वल टू बी का मतलब बी स्क्वायर टी फाइव बाई डी टी का होल स्क्वायर, इतना लिख सकता हूँ 2 eV0 / n। आज तक समझ आ गया, इसका मतलब मैं डी फाइव बाई डी टी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू मिल गई ना अपने को। देखो इस अपना मान तो इसका ही निकालना था ना, यहाँ से डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 eV0 डिवाइड बाई एम पावर 1/2 वन अपॉन बी, और ये ओमेगा सी बाई टू वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आर की जगह अपने को क्या पुट करना पड़ेगा, बी, क्योंकि आर इक्वल टू बी की अपन बात करें, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, अरे कोई डाउट है क्या, कर लोगे यहाँ तक? तो देखो यहाँ से ओमेगा सी की वैल्यू अगर अपन निकाले, सॉरी ई वी नॉट की वैल्यू निकाले, तो ई वी नॉट स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ई वी नॉट क्या हो जाएगा, ओमेगा सी स्क्वायर बाई फोर वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या होगा बी स्क्वायर, और ये डिवाइड में आ जाएगा टू। ये अपने पास में ई वी नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो ई वी नॉट है उसमें से थोड़ा सा अगर अपन चेंज करें, अपने को कट ऑफ निकालनी, कट ऑफ का मतलब कि
कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन मूव करे और वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच जाके आए, इलेक्ट्रॉन से जस्ट ग्रेज हो गया है, जस्ट पास में जाके आए, तो वो उस केस में जो वो उसकी डिपेंडेंस है वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड वी नॉट और बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड पे भी तो डिपेंड करेगी। तो हाल का टॉप मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो मैं इधर वाला पार्ट मिटा देता हूँ, हाल का टॉप मैग्नेटिक फील्ड, हाल का टॉप जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस केस में जो ओमेगा सी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बी बाई एम, तो ई बी नॉट और कौन सा कट ऑफ डिवाइड बाई एम, ये अपने ओमेगा सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो ई वी नॉट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर दो, तो ई वी नॉट कितनी वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा सी ई बी नॉट सी का बाई एम होल स्क्वायर, 4 × 2 = 8 हो गए, तो 1/8, और ये एलसीएम लोगे थे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, 4 आएगी ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई ई वी नॉट की वैल्यू, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, बी नॉट सी की वैल्यू आप अप्लाई निकाल सकते हो, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बी नॉट सी, तो बी नॉट सी क्या होगा, यहाँ से बी नॉट सी की वैल्यू बताओ क्या होगी, सबसे पहले ये बी स्क्वायर तो ये हट जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, और ये एट का रूट हो जाएगा, ई वी नॉट का भी रूट हो जाएगा, ई वी नॉट का भी रूट, और ये ई बी नॉट सी तो एम अपॉन ई। ठीक है, ये अपने पास में बी नॉट सी की वैल्यू आ गई, इसका मतलब बी नॉट के लिए बी नॉट सी से ज़्यादा होगी किसी भी दिए हुए वोल्टेज के लिए, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब बी नॉट ग्रेटर देन बी नॉट सी देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट रीच एट द एनोड। ठीक है, तो ये दो चीज अपने को मिल गई, एक तो जो ऊपर अपने को इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से तो हॉल वोल्टेज मिल जाएगी, यहाँ से तो वी नॉट सी और यहाँ से बी नॉट सी, तो दोनों में से वो कोई भी पूछ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पूछ सकता है और हाल कट ऑफ वोल्टेज इक्वेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद में इसके लिए एक हार्ट्री कंडीशन और पूछता है, वो नेक्स्ट टर्न पे अपन देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये यूनिट 3 अपनी कंप्लीट हो जाएगी।